का स्वागत थोड़ी देर हुई फंक्शन में, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर कुछ वजह थी। और आप सब लोग जो इतनी शॉर्ट नोटिस पे, मेरे ख्याल दो दिन पहले ही इन्विटेशन गया था सबको, और फिर भी इतने सारे लोग आ गए, मीडिया आ गए, सब लोग उपस्थित हैं, मैं आपका सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी फेडरेशन जो है इत्तेफाक से, जिसका बोझ मेरे कंधों पे आया है एज प्रेसिडेंट, और भी लोग हैं मेरे साथ, आएंगे थोड़ी देर के बाद। हमें जब खयान साहब का फोन आया, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, कोई खयान साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। हम गए बिल्कुल आदर की तरह, बैठे, बात की, और हमने जो सुना उनसे, उनकी उनकी जो गिफ्ट थी उसके बारे में सुना, हम हैरान रह गए। साहिब साहब ने बहुत पहले कभी कहा था कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूं मैं। तो एक फनकार जो है, उसको जो भी दुनिया देती है तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में, अपने फन की शक्ल में वो लौटाता है दुनिया को, हर कलाकार। पर एक कलाकार जो है हमारे बीच ऐसा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ अपना तन मन और फन ही नहीं, अपना धन भी लौटा रहा है उसी दुनिया को। और ये मेरे ख्याल है हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहला मौका है। इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, देखती रहती है, कभी अच्छाई भी कभी बुराई भी, खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ठोकरें भी मिलती है, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी ने जो भी हासिल किया है इंडस्ट्री से, पैसे, एसेट, दौलत जो भी है, वो इंडस्ट्री के नाम कर जाए, इंडस्ट्री के वर्कर्स, टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों के नाम कर जाए। तो हम इस छोटी सी जगह पर और इतने अपने लोगों के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक मकाम पे खड़े हैं। ये ऐतिहासिक शुरुआत है, उसकी वजह भी है, इसकी वैल्यू शायद आपको उतना एहसास नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है एज एन इंडस्ट्री। हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, खैर वो अलग सवाल है, वो हम सरकार से बात करते रहते हैं, मगर हमारे वर्कर, टेक्नीशियन और हमारे आर्टिस्टों के लिए न मेडिकल एड है, न एजुकेशनल फंड है, न इंश्योरेंस है, न पीएफ है, कुछ भी नहीं। सरकार सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है 45%, देती कुछ नहीं। हाँ, इलेक्शन के मौके पर कुछ एक्स्ट्रा को ले जाती है, इलेक्शन के लिए खड़ा कर देती है, मंत्री बना देती है, मगर वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं करती। तो इसीलिए अब ये सिंपल जो फंक्शन भी है, हमारी जो भी हैसियत थी उसके हिसाब से हमने जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, पर हमें बड़ी जरूरत थी ऐसी मदद की। हालांकि हमारी जो इंडिविजुअल एसोसिएशन है वो अपने अपने तल पे कुछ हेल्प करती रहती है, अपने मेंबरों की, कभी मेडिकल एड, कभी कुछ इमरजेंसी के लिए, पर अभी भी फाइनेंशियली हमारे सारे वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट एक बड़ी असुरक्षा में जीते हैं। सिक्योरिटी के पता नहीं कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं कल का क्या होगा, क्योंकि हमारी न कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, न पेंशन है, न कुछ और भरोसा है या सहारा है किसी का। सुभाष जी हमारे बीच आ गए हैं, उनका उनका स्वागत कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी हेल्प हमें आती है, तो हमारे वर्कर्स की, टेक्नीशियंस की, आर्टिस्टों की जो मानी हालत है, और उसके खतरनाक अंजाम भी है, क्योंकि बेचारों को अजीब अजीब शर्तों पे काम करना पड़ता है। पैसे मिले ना मिले, मिले 6 महीने बाद मिले, हम रोज भुगत रहे हैं भाई, जो आते हैं डिस्प्यूट में किसी, कोई 6-6 महीने दिए थे पैसे, हमारे वर्कर जो डेली वेजेस वाले हैं उनके पैसे 6-6 महीने नहीं मिलते। तो इतनी असुरक्षा में बेचारा वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट जो है किसी भी शर्तों में काम करने को राजी हो जाता है। एक तरह से वो बंधुआ मजदूर है। आज भी हमारी इंडस्ट्री के 2.5 लाख वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट बंधुआ मजदूर है, फिल्म प्रोड्यूसरों के, टीवी प्रोड्यूसरों के। तो इस हालत में जो भी थोड़ा बहुत कोई हेल्प देता है तो बड़ी खुशी होती है, मगर जो खयाल साहब ने किया है वो अद्भुत है।
उन्होंने जो बनाया है बस खयाम जगजीत कौर के पीछे चलते हुए ट्रस्ट, इस ट्रस्ट से वो हर साल एक फिक्स रकम जो है फेडरेशन को देंगे और फेडरेशन जो है अपने मेंबरों के लिए वर्कर्स के लिए उसमें से हेल्प करेगी। और ये सिर्फ एक साल दो साल पांच साल दस साल के लिए नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक ये फिल्म टीवी इंडस्ट्री इस बंबई शहर में है। इसलिए मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक शुरुआत, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, ये हमारे हमारे लिए एक बड़ा अहम लम्हा है हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में कि ये हमारे अपने ने जो कुछ उसके पास था, गाने तो दिए, अभी आप सुन ही रहे थे उसकी तारीफें, उनके बारे में क्या बोलूं, मेरी औकात है मेरी हैसियत संगीत के बारे में बात करने की, मैं तो राइटर हूं। फिर भी थोड़ी बहुत मैं थोड़ा कहना चाहूंगा मेरा पर्सनल 1958-59 में स्कूल था, वो उस उम्र में था जब हम बच्चों को सिर्फ बच्चों की फिल्में देखने अलाउड थे, बड़ों की फिल्में हम देखने अलाउड थे, पर रेडियो था, तो रेडियो पे जब एक गाना आना शुरू हुआ कि वो सुबह कभी तो आए, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, और सुबह कभी तो आए। आज उस गाने के 55 साल बाद, शायद 55 साल बाद, आज भी वो गाना उतना ही सच है। और जो चीज, हालांकि जब मैं बड़ा हुआ मैंने फिल्म दोबारा देखी मैथिली में, और उसका जो असर हुआ, उसके बाद और भी फिल्म कतार, चाहे वो कभी कभी हो, चाहे वो उमराव जान हो, चाहे वो शगुन हो, जो गाने थे, और एक चीज जो था कि हर गाने में कयाम साहब ने अपना दस्तखत, कंपोजर बहुत कम के समय शंकर ते किशन थे, ओपी नैयर थे, बहुत सारे रवि थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोजर थे, मगर खयाम साहब का जो सिग्नेचर था कि उनकी धुनें कभी लफ्जों पे हावी नहीं होती, कभी अल्फाजों पे हावी नहीं होती, वो लगता था जैसे उनकी धुन जो है वो लफ्जों की इबादत कर रही है, उनको इज्जत दे रही है, और लफ्जों के बीच की जो खामोशी है, जो खामोशी है, जो मायने, जो छुपा हुआ सीक्रेट है शब्दों के, जो जो शायरों ने उसमें डाला हुआ है, उनका संगीत उन मायने को बाहर लाता था, और बिना दखल दिए, आज की बात और है, आज हम जो गाने सुनते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मगर एक बात था कि शब्दों की इज्जत थी, शब्दों की इबादत होती थी, और उसके लिए खयाम साहब के गाने सबूत थे कि शब्दों की इबादत कैसे की जाती, और इसीलिए गालिब और यू नो दाग और बड़े बड़े शाहों से लेके और मजरू सुल्तान से साहेब लुधियान भी, फिदा पास भी, आप शहर याद एक से एक तो गिरदार हुए, इस मामले में मेरे ख्याल खयाम साहब भी लकी थे, उनको ऐसे शाहों के कलाम मिले जिनके अल्फाजों में जादू था, और खयाम साहब ने उस जादू को जो परवान चढ़ाया उसका कोई जवाब नहीं। आज भी हम उनके गाने सुनते, मुझे याद है जब मैं फुटपा देखने गया, वो जो गाना आता है शाम कम की कसम आज कम की, वो उम्र थी मेरी, हमारी जो टीनेजर, मतलब हमारी सारी उदासी जो थी हमारे अंदर की, हमारी फ्रस्ट्रेशन की, हमारी बेकारी की, उस उदासी को संगीत किया था खयाम साहब शाम कम की। तो हमारी हर शाम का गम जो है वो खयाम साहब के गमे से, तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव था खयाम साहब के संगीत के बारे में, उनके फैन होने के बाद, मगर एक बार फिर इन्होंने जो किया है खयाम साहब ने, जो ये हमें उपहार दिया है हमारी इंडस्ट्री को, खासतौर से हमारे वर्कर टेक्नीशियन और आर्टिस्टों को, वो उसका वो मेरे ख्याल हमारे इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हाँ भाई एक आर्टिस्ट से ये किया, और मेरे ख्याल बाकी लोगों के लिए भी वो एक उदाहरण होना चाहिए, भैया तुमने इस फिल्म से बहुत कमाया, आज फिल्में कमा रही है 300 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस कर रही, थोड़ी सी रकम देने में क्या तकलीफ है भैया, हमारे वर्कर के लिए गुजारा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इनका उदाहरण जो है और लोग भी फॉलो करेंगे, आगे आएंगे हमारे वर्कर्स की मदद के लिए, उनके हेल्प के लिए हमारी इंडस्ट्री। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक छोटी सी किरण रोशनी खयाम साहब ने हमें दिखाई है वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है, क्योंकि कभी भी
सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए और ये इबादत